हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे जिस वीडियो में लगभग 300 सेगमेंट के बीच वाले बाइक के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से कीवे कंपनी की आने वाली K300N जो कि नेकेड सेगमेंट की अभी लेटेस्ट बाइक लॉन्च हुई है, तो ये BMW G310R है जो कि इंडियन मार्केट में कुछ टाइम पहले से बेची जा रही है। तो इन दोनों बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप भी एक बड़े सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसे में ये भी दोनों आपकी पसंद बन सकती है। दोनों ही नेकेड सेगमेंट की बाइक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे कौन सा किस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी। इसके साथ में आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा, माइलेज क्या मिल जाती है, टॉप स्पीड क्या मिल जाती है, फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, हमेशा की तरह कलर और डिजाइनिंग से। तो कीवे K300N इसमें कंपनी आपको तीन कलर ऑप्शन दे रही है, जिसमें मैट व्हाइट, मैट रेड और मैट ब्लैक शामिल है, और कंपनी ने तीनों कलर का अलग अलग प्राइस भी रखा है, तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये BMW G300R लेते हैं तो इसमें भी तीन कलर ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे ट्राई कलर आपको देखने को मिल जाती है, ज्यादा ग्राफिक्स दिया गया है, जहाँ पे रेसिंग ब्लू, रेसिंग रेड और कॉस्मिक ब्लैक तीन कलर ऑप्शन के साथ ये भी मिल जाती है। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन दोनों में लगभग सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो डिजाइनिंग है, ग्राफिक्स है, वो आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप कीवे की आने वाली K300N को देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट में आपको काफी स्लिम डिजाइनिंग की हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, DRS लगा हुआ है, और छोटा सा आपको विंड स्क्रीन अभी देखने को मिल जाएगी जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए दी गई है। तो यहाँ पे इसका लुक आप फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट में जो सस्पेंशन दी गई है वो आपको गोल्डन कलर की मिल जाती है। इसके अलावा इसका जो नंबर प्लेट है वो आपको फ्रंट फेंडर के जस्ट आगे देखने को मिलेगी। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे साइड से भी लुक देख सकते हैं, इसके टैंक के ऊपर आपको हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है, कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम अंडरबेली दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है जो कि राइडर वाला सीट काफी नीचे है, और यहाँ पे आपको 300 की बैजिंग मिल जाती है जो कि ग्राफिक्स हल्की दी गई है, और इसमें आपको ग्रेवरेल जो कि इंटीग्रेटेड मिल जाती है, पीछे रियर हगर भी लगा हुआ है, और इसके लॉबीज की भी डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। तो इसके रियर में जो टेलेम सेक्शन दिया गया है वो आपको सीट के पीछे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये आपको कीवे की आने वाली मोटरसाइकिल कुछ इस तरीके के लुक के साथ मिल जाती है। तो अगर आप BMW G310R लेते हैं तो इसमें भी आपको हेडलैम्प डिजाइनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, हेडलैम्प में आपको DRS के साथ हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, और यहाँ पे फ्रंट फेंडर बॉडी कलर मिल जाती है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो इसे साइड से भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको कलर्ड व्हील भी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको ज्यादा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा कीवे के मुकाबले में। टैंक की डिजाइनिंग देख सकते हैं, काफी मस्कुलर टैंक मिल जाती है, साइड में BMW का लोगो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे सिंगल पीस सीट दी गई है, और ग्रेवरेल आपको स्प्लिट ग्रेवरेल मिल जाती है, और टेलेम सेक्शन इसकी रियर फेंडर पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इसका भी आपने लुक देख लिया है, तो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग के साथ ये आपको मिल जाती है। तो जो आपको लुक वाइज देखने में अच्छा लगे उसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ग्राफिक्स, थोड़े ज्यादा कलरफुल के साथ आपको BMW G310R मिल जाती है। तो इन दोनों में से जिसका ज्यादा आपको ग्राफिक्स बेहतर लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की, कि दोनों में क्या क्या इंजन दिए गए हैं। तो कीवे K300N में 292.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो BMW G310R में 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड 4-stroke 4-valve इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, यानी कि इनके इंजन में लगभग 10 सीसी का आपको अंतर देखने को मिल जाती है। तो ये पावर फिगर की बात कर लेते हैं तो K300N में इसके इंजन 8750 आरपीएम पर 27.50 एचपी का पावर, जबकि 7000 आरपीएम पर 25 एनएम का टॉर्जन करती है। तो ये BMW G300R की जो इंजन है 9250 आरपीएम पर 34 एचपी का पावर, जबकि 7500 आरपीएम पर 28 एनएम का टॉर्जन करती है, और दोनों में 6 स्पीड द गियरबॉक्स दिया गया है, और दोनों ही केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर के साथ आती है। तो यहाँ पे दोनों के पावर फिगर को आप देख सकते हैं, 10 सीसी का आपको अंतर देखने को मिल जाती है। तो BMW यहाँ पे थोड़े से ज्यादा पावर जनरेट करती है, और टॉर्क भी आपको 3 Nm ज्यादा देखने को मिल जाती है, यानी कि इन दोनों में थोड़े से ज्यादा आपको पावरफुल इंजन BMW के इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। आगे सस्पेंशन सेटअप की अगर बात कर ले तो K300N में फ्रंट के साइड अप साइड डाउन फॉर्क 37 mm, तो ये रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। तो BMW G300R के फ्रंट में अप साइड डाउन फॉर्क, लेकिन यहाँ पे 41 mm का ट्रेवल दिया गया है। तो इसके रियर में कास्ट एल्यूमिनियम, ड्यूबल सिंग आर्म, सेंट्रल स्प्रिंग, प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ट्रेवल में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा, BMW में थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है, और ये साइड भी आपको सस्पेंशन सेटअप में थोड़ा सा आपको अंदर देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों के सीटिंग पोस्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको सीटिंग पोस्चर दोनों में अग्रेसिव देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पे फुट पोजिशन दी गई है कीवे की वो थोड़ी सी आपको पीछे देखने को मिल जाती है, जिससे कि थोड़ा सा अग्रेसिव यहाँ पे सीटिंग पोस्चर आपको देखने को मिल जाएगी। BMW में जो फुटपैक्स भी दिए गए वो आपको 2-tier फुटपैक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोनों के टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें
तो कीवे की 310 के फ्रंट में 110/70 का 17 इंच रेडियल टायर और रियर में 140/60 का 17 इंच का टायर लगा हुआ है। तो वहीं G310R के फ्रंट में 110/70 का 17 इंच रेडियल टायर और रियर में 150/60 का 17 इंच का टायर लगा हुआ है। यानी कि टायर साइज फ्रंट में दोनों में सिमिलर दी गई है, लेकिन रियर में आपको थोड़े से चौड़े टायर्स BMW की इस बाइक में मिल जाती है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो K310 के फ्रंट में 292mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो वहीं G310R के फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ी सी बेहतर आपको G310R में देखने को मिल जाती है। बाकी आगे फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स में कितना डिफरेंस है। तो कीवे की इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल चैनल का ABS मिल जाता है और BMW के इस बाइक में डुअल चैनल का ABS दिया गया है। K300N में आपको LED हेडलैम्प के साथ DRS मिल जाता है, LED टर्न इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है, टेल लैम्प में भी LED लगा हुआ है। तो वहीं BMW में भी आपको ऑल LED सेटअप मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर लाइट, हेडलैम्प में, टेल लैम्प में सारे आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। K300N में आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जहाँ पे आपको RPM मीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप क्लॉक, इंजन टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। तो वहीं BMW G310R में भी आपको फुली डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आपको छोटे साइज की देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फ्यूल, स्पीड, टैकोमीटर, गियर पोजीशन, क्लॉक, डेट, ऑडोमीटर, ट्रिप, इंजन टेम्परेचर मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल आपको डैशबोर्ड BMW के इस बाइक में देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें भी आपको ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। K300N में आपको इंजन की स्विच मिल जाएगा और नीचे आपको 1000 स्विच देखने को मिल जाती है। तो BMW G310R में आपको इंजन की स्विच मिल जाती है। इसके अलावा K300N में आपको दो राइडिंग मोड्स, इको और स्पोर्ट मिल जाती है, जिससे कि इको मोड में आपको थोड़ा सा स्पीड कम मिलेगी, लेकिन स्पोर्ट मोड में आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो वहीं BMW G310R में आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स मिल जाता है और क्लच लीवर भी एडजस्टेबल है, लेकिन कीवे के इस मोटरसाइकिल में नहीं दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पे स्लीपर क्लच कीवे के 300N में देखने को मिल जाती है। कीवे के 300N में आपको स्प्लिट सीट के साथ इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल मिल जाएगा, लेकिन BMW G310R में सिंगल पीस के साथ स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में इंजन काउल भी लगा हुआ है और कीवे के 300N में रियर हगर दिया गया है, लेकिन BMW के इस बाइक में जरूरत नहीं है क्योंकि रियर फेंडर थोड़ा सा पीछे निकला हुआ है। K300N में टैंक के ऊपर की दी गई है, लेकिन BMW में आपको नॉर्मल जहाँ पे मीटर के पास की लगता है वहीं आपको लगाना है। K300N में अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, लेकिन BMW G310R में साइड में आपको स्टेनलेस स्टील वाली एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो फीचर्स में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो भी हाईलाइटेड फीचर्स में डिफरेंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी आगे दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की अगर बात करें तो उससे पहले आपको बता दें, तो यहाँ पे इस बाइक में ज़्यादा आपको माइलेज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ज़्यादा सीसी के साथ आती है, तो यहाँ पे आपको माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो K300N में आपको लगभग 30 km/h तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो BMW G310R में ऑफिशियली कंपनी 30.3 km/h तक क्लेम करती है, इतना आपको माइलेज मिल जाएगा। तो टॉप स्पीड की बात करें तो K300N का टॉप स्पीड यूजर्स के द्वारा 150 km/h तक अभी तक टेस्ट की गई है। तो वहीं BMW G310R में आपको टॉप स्पीड कंपनी के द्वारा 143 km/h तक बताई जाती है, लेकिन यूजर्स 153 km/h तक स्पीड में भी चला चुके हैं। तो यहाँ पे स्पीड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि BMW G310R थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड BMW की इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको स्पीड में देखने को भी मिल जाती है, माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इंजन में केवल 10 cc का आपको फर्क देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे BMW जो बाइक है वो थोड़ी सी भारी भी है, उसकी जानकारी आपको आगे देंगे। वहीं डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो K300N का जो लेंथ है 1990mm, V780mm, हाइट 1070mm, व्हील बेस 1360mm, ग्राउंड क्लियरेंस 150mm, सीट हाइट 795mm, फ्यूल टैंक का 12.5 लीटर, इसका जो कर्व बेटा है 151 kg है। तो G310R का जो लेंथ है 2005mm, विथ 849mm, हाइट 1080mm, व्हील बेस 1380mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, सीट हाइट 785mm, फ्यूल टैंक का 11 लीटर, इसका जो कर्व बेटा है 164 kg है। तो यहाँ पे आप बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस BMW की बाइक में देख सकते हैं, सीट हाइट भी कम BMW की बाइक की है। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी K300N में देखने को मिल जाती है ज़्यादा, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की कीवे की ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको डायमेंशंस में कुछ डिफरेंस मिल जाते हैं। बाकी दोनों के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि प्राइस आपको क्या देखने को मिलेगी। तो कीवे K300N का एक्सरूम प्राइस व्हाइट कलर के साथ 2.65 लाख यानी 265,000 रुपये तक है, रेड कलर के साथ 2.75 लाख यानी कि 275,000 रुपये तक एक्सरूम प्राइस है, तो ब्लैक कलर के साथ 2.85 लाख यानी कि 285,000 रुपये तक एक्सरूम प्राइस है। तो इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो ऑनरोड प्राइस अप्रॉक्स 2.95 लाख रुपीज़ यानी कि 295,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो BMW G310R का एक्सरूम प्राइस 2.70 लाख यानी कि 270,000 रुपये तक है।
तो इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स आपको इसके ऑन रोड प्राइस 3 लाख के आसपास में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती अगर बेस वेरियंट से कंपेयर किया जाए तो कीवे की बाइक आप देखने को मिल जाएगी 5,000 तक बस सस्ती है। एक्सरूम प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कीवे का ब्लैक कलर रहते हैं तो आपको काफ़ी महंगी मिल रही है, लगभग आपको 15,000 रुपये तक ज़्यादा BMW के इस बाइक से आपको देखने को मिल जाती है। तो इनके प्राइस में ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों बाइक्स में से जितने भी डिफरेंस थे यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। हालांकि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 300cc सेगमेंट में बाइक परचेस करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 3 लाख रुपये का आपका बजट होना चाहिए अगर आपको इन सेगमेंट में बाइक चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। अगर आप BMW के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि वो मार्केट में काफ़ी समय से है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये कीवे अभी इंडिया में अभी कुछ टाइम पहले ही बेनेली के द्वारा इसको बेचा जाता है। तो बेनेली के शोरूम पे आपको कीवे का मोटरसाइकिल मिल जाएगा और BMW को आपको BMW के शोरूम पे मिल जाएगी। तो जो आपको पसंद आए उसको ले सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगा आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं और किसको आप परचेस करना चाहेंगे ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।